न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विजयादशमी के अवसर पर मानसरोवर रामलीला स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने किया भगवान श्री राम का राजतिलक। कहा, विजयादशमी का पर्व अन्याय और अत्याचार पर न्याय और धर्म की जीत का है प्रतीक। विजयादशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज की अगुवाई में निकाली गई भव्य विजय शोभा यात्रा। उमड़ी हजारों की भीड़, किया गया जगह जगह भव्य स्वागत। शातिर कैसिनोबाज लुटेरों के गैंग सरगना समेत 7 शातिर बदमाशों को क्राइम ब्रांच और शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया खुलासा, गिरफ्त में सर्राफा कारोबारी भी शामिल, दी जानकारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की विजय शोभा यात्रा में सुरक्षा में रहे व्यापक इंतजाम। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ विजय शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री और गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के 9 दिनों के उपवास के बाद विजयदशमी को किया नाथ परंपरा के अनुरूप गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मानस मर्मज्ञ कथावाचक मुरारी बापू ने श्री राम कथा के चौथे दिन सुनाई शिव विवाह व राम जन की कथा, भाव विभोर हुए श्रोता। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई दुर्गा प्रतिमाएं, CO कोतवाली BP सिंह ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही विसर्जन के लिए प्रतिमाएं। राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति असुरन द्वारा दशहरे के अवसर पर विशाल भंडारे का किया गया आयोजन, हजारों लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का भक्तों ने नाचते गाते हुए किया विसर्जन, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन भक्ति गीतों से सराबोर हुए श्रद्धालु, की माँ की आराधना, लिया आशीर्वाद। और बुराई पर अच्छाई पर जीत के प्रतीक विजयदशमी पर भगवान श्री राम ने रावण का किया वध। बर्डघाट रामलीला मैदान में श्री राम का तीर लगते ही धू धू कर जलने लगा रावण।